भी कर रहे हैं। उधर पाकिस्तान के लियाकतपुर में कराची रावलपिंडी एक्सप्रेस में भीषण आग लग गई। ट्रेन में आग से 16 लोगों की मौत हो गई जबकि 13 लोग आग में झुलस गए। कराची रावलपिंडी एक्सप्रेस में आग तलवारी स्टेशन के पास लगी। ट्रेन में लगी आग की वजह से उठा धुआं दूर से ही देखा जा सकता था। धीरे धीरे आग ने पूरी ट्रेन को अपनी चपेट में ले लिया और वहाँ हड़कंप मच गया। जिस तरीके की तस्वीरें आप अंदाजा लगाइए कि एक ट्रेन में ऊंची ऊंची लपटें उठती नजर आ रही हैं, आग की धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है और कितना भयावह वो नजारा रहा होगा। दरअसल पाकिस्तान के लियाकतपुर में कराची रावलपिंडी एक्सप्रेस में ये भीषण आग लगी। ट्रेन में आग लगने से 16 लोगों की मौत हुई है जबकि 13 लोग आग में झुलस गए हैं। धुआं आप उठता हुआ देख रहे हैं, कई किलोमीटर से दूर से ये धुआं उठता हुआ आग की लपटें नजर आ रही है। ट्रेन की खिड़कियों से ये धुआं बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। 13 लोग इस आग में झुलसे हैं, अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है और साथ ही साथ 16 लोगों की मौत हुई है। 13 लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गंभीर रूप से झुलसे हुए हैं, उनका इलाज अब चल रहा है। कराची रावलपिंडी एक्सप्रेस में दरअसल ये आग लगी जब ये तलवारी स्टेशन के पास पहुंची। उस वक्त ट्रेन में लगी आग की वजह से जो धुआं है वो आप देखिए कितने ऊपर उठता हुआ नजर आ रहा है और देखते ही देखते ही आग पूरी ट्रेन में फैल गई। उधर जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकी हमले में मारे गए 5 मजदूरों के शव पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में उनके परिजनों को सौंप दिए गए। मजदूरों के शव उनके गांव पहुंचते ही मातम पसर गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बंगाल सरकार में मंत्री फरहाद हकीम पीड़ित परिवारों को 5 लाख के मुआवजे का चेक सौंपेंगे। हालांकि उससे पहले का जो मंजर था वो दिल दहला देने वाला था क्योंकि ये जो लोग थे इनके अपने दरअसल मजदूरी करने के लिए अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव पहुंचे, लेकिन वहां पर जब इन्हें खबर मिलती है कि अब वो जिंदा नहीं रहे, ऐसे में मातम पसर गया। दरअसल जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकी हमले में ये मजदूर मारे गए थे, 5 मजदूर जिनका शव पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जब उनके घर पहुंचा तो लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उधर पंजाब के फरीदकोट में सड़क के ऊपर से गुजरने वाले बिजली के तार एक ट्रैक्टर ट्रॉली में रखे चारे से छू गए जिससे उसमें भीषण आग लग गई। घटना तब हुई जब ट्रैक्टर ट्रॉली का ड्राइवर चारा लेकर बिजली के तारों के नीचे से गुजर रहा था, लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉली में रखे चारे की ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से वो बिजली के तार से टकरा गई जिससे उसमें आग लग गई और फिर थोड़ी ही देर में आग ने पूरे ट्रैक्टर ट्रॉली को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें दूर से ही दिखाई पड़ रही थी जबकि उससे निकलने वाला धुआं इलाके में फैलता दिखाई दिया। बीच सड़क पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जलता देख वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान कुछ लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में लगी आग को बुझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन सूखे चारे और तेज हवाओं की वजह से आग फैलती चली गई और थोड़ी ही देर में सब कुछ जलकर राख हो गया। और बीच सड़क पर जब ऐसे ट्रैक्टर ट्रॉली जलता हुआ नजर आया तो वहां काफी भीड़ भी इकट्ठा हो गई, उससे निकलता धुआं काफी दूर से देखा जा सकता था। दरअसल बिजली के तार से ये जो चारा है वो टकराया जिसके उसमें आग लग गई। थोड़ी ही देर में आग ने पूरे ट्रैक्टर ट्रॉली को ही अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें दूर से ही दिखाई पड़ रही थी जबकि उससे उठने वाला जो धुआं था वो इलाके में फैलता दिखाई दिया। बीच सड़क पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जलता देख वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोग अपने ही तरीके से आग पर काबू पाने की कोशिश करते नजर आए लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं और ट्रैक्टर ट्रॉली में लगी आग वहां पर फैलती चली गई सूखे चारों और तेज हवाओं की वजह से और थोड़ी ही देर में सब कुछ जलकर राख हो गया।